पेट पूजा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं तेज तरारे वाले सेजवान की चटनी। बस इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है एंड 100% होममेड है। बस इसे ज़्यादा देर भी नहीं लगती और ये 10 मिनट में बन भी जाती है। चलिए देखते हैं सेजवान चटनी की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 15 से 16 मिर्च, ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है। इसे हमें धोकर नहीं लेना, ना ही इसे भिगोना है, ना ही इसे हमें रोस्ट करना है। साथ में हमने ली है लहसुन की कलियाँ, इसका मैंने छिलका बिल्कुल नहीं निकाला है। अब ये जो मिर्च के डंठल है, इसे हम निकाल लेते हैं फटाफट। ये देखिए, ये निकल कर रेडी हो चुका है। अब इसे हमें एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। ये डोसा बनाने वाला जो मिक्सर ग्राइंडर है वो मैंने यूज़ किया है, इसे अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा। और साथ में हम लहसुन की कलियाँ भी डाल देते हैं, 2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून चीनी और साथ में स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा पानी डालकर लिया है, लगभग 2 कप मुझे पानी लगे इसे अच्छे से ग्राइंड करने में। ये देखिए पेस्ट बिल्कुल रेडी है, हमें बहुत ही बारीक पीस कर लेना है। एक कढ़ाई गरम कर ले अब, उसमें डाल देते हैं 1/2 कप तेल, ये रिफाइंड ऑयल है, इसे अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल लगभग गरम हो जाए तो अब इसमें हम ये पेस्ट बनाया हुआ डाल देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पेस्ट बनाते वक्त ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो क्या होगा, आपको कुकिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा। जितना हो सकता है उतना कम पानी में इसका पेस्ट बनाएं। ये देखिए हमने सारे पेस्ट ऐड कर दिए हैं और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये पक ना जाए और तेल में वो मिर्च का रंग ना चढ़ जाए। अगर आपको लगे कि तेल अधिक है तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी लास्ट में ये पक जाएगा तो उसका तेल आप साइड में निकाल कर चिली ऑयल जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेजवान चटनी को आप ब्रेड में लगाकर खा सकते हैं या फिर पास्ता में या फिर सैंडविचेस में, आप पिज़्ज़ा में भी डालकर इसे एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स में तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं साइड से तेल निकल चुका है, उसका रंग चढ़ चुका है। अब हम ढक देते हैं और गैस बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने रखें। ठंडा हो जाए तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास बोल लिया है, ये एयरटाइट कंटेनर है, इसे मैंने पहले स्टरलाइज कर लिया था। बिल्कुल ड्राई रखें इस ग्लास को, नहीं तो क्या होगा, आप इसे चटनी को स्टोर नहीं कर पाएंगे और ये जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। ये चटनी को आप बाहर भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं, कभी भी यूज़ कीजिए, बिल्कुल ताज़ा रहेगा। देखिए सेजवान चटनी बनकर रेडी है, इसे आप लगभग 1 महीना फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। लगभग 150 से 200 ग्राम तक का ये चटनी बनकर रेडी है। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।